हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया सोइल का पेरेंट मटेरियल रॉक्स के बारे में, और आज की जो हमारी क्लास है उसमें एक बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है मिनरल्स। मिनरल क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि जब वोल्केनो का इरप्शन हुआ और उससे फिर जो मोल्टेड मैग्मा निकला उसके सोलिडिफिकेशन से रॉक्स बन गई। तो उस मोल्टेड मैग्मा में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस टाइप से। और वो एलिमेंट जब फ्रीली उसमें प्रेजेंट रहते हैं तो वो आपस में अरेंजमेंट करके और एक स्ट्रक्चर लाइक कंडीशन बना करके और एक मिनरल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मिनरल किसका पार्ट है? रॉक्स का। यानी जो रॉक्स हैं उनके कंपोजिशन के अंदर मिनरल्स ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें रॉक्स की कंपोजिशन को समझने के लिए मिनरल्स को समझना पड़ेगा। और वो समझने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप की रॉक है, उसमें किस टाइप का मिनरल है, तो उससे कैसी सोयल बनेगी और उस सोयल के अंदर किस किस टाइप के न्यूट्रिएंट या एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे। टॉपिक हमारा है मिनरल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं सोयल के अंदर भी। बहुत बार जो रॉक्स निकलती हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं। नेचर में भी बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल हम किसको कहेंगे, मिनरल होता क्या है। तो मिनरल की अगर बात करें तो ये नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस है जिसका अपना एक डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन होता है और एक ये क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल कहते हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम कहें, अगर मिनरल को डिफाइंड करना चाहें, तो एक टाइप का सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि डिफरेंट एटम से मिलकर के ये बनता है और इसका एक रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है जो कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे। अब बात करते हैं कि जब वोल्केनो का इरप्शन हुआ और उससे जब मोल्टन मैग्मा बाहर आया तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट थे वो फ्रीली आकर के एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू अरेंज्ड हो गए और फिर उससे उन्होंने क्या कर लिया, मिनरल की फॉर्मेशन कर ली। तो जब कोई मिनरल का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलता है और वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या कहलाएगा, सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यानी एक सिलिका जिसपे 4+ चार्ज है, वो चार ऑक्सीजन को के साथ में अपने चार्ज को शेयर करते हुए एक टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है और यही टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए मिनरल्स का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस हिसाब से जो सोयल है उसमें मिनरल्स बनते हैं। अब बात आती है कि सोयल में किस किस टाइप के मिनरल्स मिलेंगे। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की। तो जो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मिनरल का वो है अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे। इसके बेसिस पे मिनरल का जो अरेंजमेंट हुआ, उनके क्रिस्टलाइजेशन हुआ, उसके बेसिस पे दो टाइप के मिनरल बताए गए। एक ऐसे मिनरल जो इनिशियल स्टेज पे बने जिनको प्राइमरी मिनरल कहा गया, और एक होते हैं सेकेंडरी मिनरल जो कि प्राइमरी मिनरल के से बनते हैं। तो प्राइमरी जो मिनरल्स हैं उसको आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो फेरोमैग्नीशियम मिनरल और एक नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल। फेरोमैग्नीशियम मिनरल का मतलब होता है ऐसे मिनरल जिनमें आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट हो। नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल मतलब जिसमें आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं हो। फेरोमैग्नीशियम जो मिनरल है उसके अंदर क्या आता है, ऑर्थो आइनोसिलिकेट्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओलिवाइन है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है। ओलिवाइन का कंपोजिशन देखोगे तो इसमें आयरन मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। पायरोक्सिन में देखोगे तो कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है। एम्फीबोल में और जाओगे तो इसमें कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल मिलाकर के ऑर्थो आइनोसिलिकेट 16.8% डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा प्राइमरी मिनरल्स में इसका। इसके बाद में आते हैं फाइलोसिलिकेट, ये भी फेरोमैग्नीशियम है, इनमें बायोटाइट है, मस्कोवाइट है, ये आता है और ये टोटल परसेंटेज इनका 3.6% रहता है। फिर आते हैं नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल में क्या क्या आएगा, टेक्टोसिलिकेट्स। टेक्टोसिलिकेट जो सीरीज है उसमें फेल्स पार आ जाता है एंड
एल्बाइट आ जाता है, एनोथाइट आ जाता है, क्वार्ट्ज है, ऑर्थोक्लेज है, ये सारे के सारे नॉन फेरोमैग्नेशियम मिनरल हैं और ये टेक्टोसिलिकेट्स में आते हैं। टेक्टोसिलिकेट में 61% पार्ट टेक्टोसिलिकेट का होता है, स्पेशली इसमें जो फेल्स पार है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है। फिर होते हैं सेकेंडरी क्ले मिनरल्स। सेकेंडरी क्ले मिनरल में वो सारे मिनरल जिनमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम प्रेजेंट होता है वो आते हैं और उनका पार्ट होता है 11.6, और फिर उसके बाद में बच जाते हैं अदर, अदर का पार्ट होता है 6%। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टलाइजेशन के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। तो क्वांटिटी की बेसिस पे मिनरल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो कहलाता है असेंशियल मिनरल और एक कहलाता है असेसरी मिनरल। असेंशियल मिनरल जो होता है ये चीफ कंस्टिट्यूएंट होते हैं रॉक्स के, हाईएस्ट अमाउंट में रॉक्स में यही प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि फेल्सपार है, पायरोक्सिन है, माइका है। वहीं असेसरी मिनरल की बात करें तो इनकी जो क्वांटिटी रहती है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये रॉक्स में प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि टर्मिलाइन हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सारे के सारे क्वांटिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें असेंशियल और असेसरी मिनरल्स आते हैं। अब बात करते हैं कि सिलिकॉन के बेसिस पे मिनरल का क्लासिफिकेशन। तो सिलिकॉन के बेसिस पे जो मिनरल का क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें दो टाइप के मिनरल बताए गए, एक तो होते हैं सिलिकेट मिनरल और एक होते हैं नॉन सिलिकेट मिनरल। सिलिकेट मिनरल जो होंगे उनमें हमेशा सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, और नॉन सिलिकेट मिनरल होंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट हैं, सल्फेट हैं, फॉस्फेट हैं, वो मिलेंगे। सिलिकेट मिनरल में ऑर्थोसिलिकेट है, नीजोसिलिकेट है, आइनोसिलिकेट है, फाइलोसिलिकेट है, टेक्टोसिलिकेट है, ये सब आते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिलिकॉन बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है जिसमें सिलिकेट मिनरल्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सिलिकेट मिनरल में सबसे फर्स्ट में क्या है, ऑर्थो या नीजोसिलिकेट। ऑर्थो या नीजोसिलिकेट में क्या होगा, जब भी कोई मिनरल बनेगा तो उसकी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाएगी, सिलिका टेट्राहेड्रल, यानी सारी सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर उनका एक अरेंजमेंट होगा और उससे कोई मिनरल बनेगा। तो जब ऑर्थो नीजोसिलिकेट की बात करते हैं तो वहां पर जो सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वो फ्रीली रहती है, एक स्ट्रक्चर यहां रहेगी, दूसरी यहां रहेगी, तीसरी यहां, यूं फ्रीली कंडीशन में सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहती है। और अगर ये आपस में ये स्ट्रक्चर अगर एक साथ लिंक भी होंगी तो ये मैग्नीशियम और आयरन के साथ में होंगी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेंगी, आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेंगी, पर ये बॉन्ड बहुत वीक होता है। इसलिए इस टाइप के जो मिनरल का फॉर्मेशन होता है ऑर्थो या नीजो सिलिकेट का, जिसमें सिलिका टेट्राहेड्रल दूर दूर रहते हैं और एक टाइप का वीक लिंकेज इनके बीच में रहता है, तो इनकी वेदरिंग बहुत फास्ट होगी, और इसका एग्जाम्पल है ओलेवाइन। तो ओलेवाइन मिनरल जिन जहां पर भी या जिन भी रॉक में प्रेजेंट होगा वहां की वेदरिंग बहुत ही फास्ट होगी और वहां से जल्दी सोयल का फॉर्मेशन होगा। फिर आते हैं आइनोसिलिकेट्स। आइनो जो सिलिकेट्स हैं उसमें क्या होगा, सिलिका टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो एक के बाद एक से जुड़ते हुए एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगल चेन और डबल चेन। सिंगल चेन जो स्ट्रक्चर रहेगी उसमें एक सिलिका टेट्राहेड्रल, दूसरी सिलिका टेट्राहेड्रल, फिर उसके अंदर तीसरी, ऐसी करके एक सिंगल चेन के अंदर जाएंगी और एक सिलिका टेट्राहेड्रल अपनी दो ऑक्सीजन को नियर बाई सिलिका टेट्राहेड्रल से शेयर करेगी, वो कहलाएगी सिंगल चेन। सिंगल चेन का एग्जाम्पल है पायरोक्सिन। तो सिंगल चेन जो हमारे सिलिका टेट्राहेड्रल है उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, उसका एग्जाम्पल हो गया पायरोक्सी। उसके बाद में आती है डबल चेन। डबल चेन में क्या होगा, पहले सिलिका टेट्राहेड्रल की सिंगल चेन चलेगी, उसी के पैरेलल दूसरी सिंगल चेन चलेगी और वो आपस में ऑक्सीजन शेयरिंग करके डबल चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। उसमें क्या होगा, एक सिलिका टेट्राहेड्रल अपनी तीन ऑक्सीजन को शेयर कर लेगा और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रोंगर होगी कंपेयर टू सिंगल चेन के। डबल चेन का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है एम्फीपोल्स। तो जब वेदरिंग की बात करेंगे तो ओलेवाइन में इजिली वेदरिंग हो जाएगी क्योंकि फ्रीली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से, फिर सिंगल चेन में होगा, फिर डबल चेन के अंदर होगा, तो उस हिसाब से इनमें वेदरिंग रहेगी। ये भी जो आइनोसिलिकेट होते हैं इनमें भी वेदरिंग रेपिडली होती है। फिर आता है फाइलोसिलिकेट्स। फाइलोसिलिकेट में सिलिकेट लेयर लेटेक्स वाले जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। इसमें क्या होगा, एक सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगी और एक एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगी। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल
ये स्ट्रक्चर मिलकर के ही फाइलोसिलिकेट्स बनाती हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल हैं बायोटाइट है, मस्कोवाइट है। और इसमें क्या करेगी, एक सिलिका टेट्राहेड्रल अपनी तीन की तीन ऑक्सीजन शेयर कर लेगी, तो फाइलोसिलिकेट के अंदर एग्जाम्पल बायोटाइट एंड मस्कोवाइट आ गई। फिर आता है टेक्टोसिलिकेट। टेक्टोसिलिकेट में सिलिका चारों की चारों ऑक्सीजन शेयर कर लेती है और एक फ्रेमवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाती है। टेक्टोसिलिकेट का एग्जाम्पल जैसे फेल्सपार है, ऑर्थोक्लेज है, ये हो गया। और इसमें वेदरिंग इतनी इजीली नहीं होगी, ये वेदरिंग के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। फिर सेकेंड थे नॉन सिलिकेट मिनरल्स। नॉन सिलिकेट जो मिनरल्स थे उसके अंदर ऑक्साइड हमने देखी, ऑक्साइड में हेमेटाइट है, लिम्बोनाइट है, हेमेटाइट है, लिम्बोनाइट है, गोल्थाइट है और जिप्साइट है, ये सब मिनरल्स आते हैं। कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में कैल्साइट है, डोलामाइट है, ये आते हैं। एग्जाम में बहुत बार डोलामाइट का फॉर्मूला पूछते हैं, CaMgCO3 का होल ट्वाइस। गोथाइट का फॉर्मूला पूछ लेंगे, हेमेटाइट का फॉर्मूला पूछ लेंगे। फिर आता है सल्फेट। सल्फेट का एग्जाम्पल है जिप्सम। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CSO4 × 2S2। फिर आता है फॉस्फेट। फॉस्फेट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एपेटाइट। तो ये हो गए मिनरल्स का क्लासिफिकेशन बेसिस पे, क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और सिलिकॉन स्ट्रक्चर के परजेंस के बेसिस पे मिनरल का क्लासिफिकेशन। तो हमने रॉक्स पढ़ ली, रॉक्स में जो परजेंस जो मिनरल है वो पढ़ ली, और उन मिनरल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो हमने देख लिया। अब क्या होगा, ये जो रॉक्स हैं इनमें वेदरिंग होगी और इनकी वेदरिंग से क्या बनेगा, सोई का फॉर्मेशन। तो अगर हमें रॉक का कंपोजिशन पता है, उसमें प्रेजेंट मिनरल के बारे में पता है, तो उस मिनरल के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसका पता चल जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि इस टाइप की रॉक होगी और अगर उसमें वेदरिंग होगी तो उससे इस टाइप की सोइल बनेगी और उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट या न्यूट्रेंट प्रेजेंट रहेंगे। और किस टाइप का मिनरल है उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस में फास्ट वेदरिंग होगी, किस में स्लो वेदरिंग होगी। तो सोइल का जो फॉर्मेशन है वो फास्ट किस टाइप के रॉक से होगा, किस टाइप के मिनरल से होगा, स्लोली सोइल का फॉर्मेशन कौन से टाइप के मिनरल से होगा, तो वो सब हमें मिनरल, तो वो सभी हमें किससे पता चलेगा, मिनरल से ही पता चलेगा। तो हमने मिनरल्स कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा सोइल फॉर्मेशन का, जिसमें सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और सोइल फॉर्मिंग फैक्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।